आंसू तब नहीं आते जब आप किसी को खो देते हैं, आंसू तो तब आते हैं जब आप खुद को खोकर भी किसी को पा नहीं सकते। बहता आंसू एक झलक में कितने रूप दिखाएगा, आंख से होकर गाल को भिगोकर मिट्टी में मिल जाएगा। जो आंसू पी लिए जाएं, वो जहर से कम नहीं होते। जब आपका दिल दर्द से भर जाए और आंखों में बेतहाशा आंसू आ जाए, तो उस वक्त अल्लाह से चुपके बातें कर लिया करें। वो सब जानता है लेकिन आपसे सुनना चाहता है। दुआ में नदामत का एक आंसू मुमकिन है कि जिंदगी भर के गुनाह माफ करा दे। आंसू मुस्कुराहट से ज्यादा खास होते हैं, पता है क्यों? क्योंकि मुस्कुराहट तो हर किसी के लिए होती है, मगर आंसू सिर्फ उनके लिए होते हैं जिन्हें आप खोना नहीं चाहते। गम वो नहीं होता जो आंसुओं का सबब हो, गम तो वो होता है जो आपको अंदर ही अंदर खा जाए। कभी आंसू, कभी सजदे, कभी हाथों का उड़ जाना। इंसान जब टूट जाता है तो अल्लाह बहुत याद आता है। हमारे आंसुओं की कदर अल्लाह से ज्यादा किसी को नहीं। आंसू निकल पड़ते हैं जिंदगी के इस सफर में, जिधर देखो मकसद की मोहब्बत और मतलब की दोस्तियां। किसी का भी दिल न दुखाओ, उसके आंसू आपके लिए सजा बन सकते हैं। सोचा ही नहीं था मैंने ऐसे भी जमाने होंगे, सोचा ही नहीं था मैंने ऐसे भी जमाने होंगे। रोना भी जरूरी होगा, आंसू भी छुपाने होंगे। रोना भी जरूरी होगा, आंसू भी छुपाने होंगे। आंसू आंख से निकलकर गाल पर बह जाएं, तो मतलब आपको तकलीफ हुई है। लेकिन आंसू आंख से होते हुए हलक में अटक जाएं, तो यकीनन अंदर कुछ टूटा है। कुछ आंसू राज होते हैं आपके और अल्लाह के बीच में। जब कोई आपको बेवजह रुलाए, तो आप अपने आंसू इस यकीन के साथ साफ कर लेना कि जिंदगी के किसी मोड़ पर वो आपसे ज्यादा रोएगा। जिनकी किस्मत में रोना लिखा हो, वो मुस्कुराए भी तो आंसू निकल आते हैं।